तो अपन बात करते हैं 8 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो कुछ पार्लियामेंट के अंदर कोई आर्टिकल है, ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें क्या होता है कि एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कोई भी गलत शब्द का यूज़ नहीं कर सकता है, जैसे कि तू कमीना है, तू कुत्ता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, वट एवर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वी कैन से प्लीज की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं आईएसपी, उसको बोला है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कि जो पोर्नोग्राफी की जो साइट्स हैं उनको बंद कीजिए, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वॉयेजर 2। इसको इसलिए भेजा गया है ताकि ये नेपच्यून और यूरेनस की स्टडी कर सके। ये एकमात्र ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि जो गैस जाइंट्स हैं उनकी स्टडी करके आएगा। चार जो है आपको याद रखने हैं, और इसके अलावा एक हेलियोस्फीयर होती है। हेलियोस्फीयर जो है सूरज के चारों तरफ एक बबल होता है, ये सूरज है इसके चारों तरफ, तो ये सोलर विंड की वजह से एक इंटरस्टेलर विंड वगैरह से जनरेट होता है। तो इतना सा याद रखना है, उतना बहुत है। वॉयेजर कौन है? जिनोम इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि IITs और बेंगलोर IIS के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया जाएगा। बेसिकली जीनोम जो होता है वो एक इंसान, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक कंप्लीट सेट ऑफ DNA होता है जिसमें जीन्स भी होते हैं। अब DNA सिक्वेंसिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इंसान के जो 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 भी उसका जेनेसिस है या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। केरला ने जो है वो CFL और जो बल्ब जो होते हैं फिलामेंट वाले उनको बंद कर दिया है। बेसिकली CFL और LED में क्या डिफरेंस है? CFL जो होती है वो बेसिकली मर्क्यूरी वेपर के ऊपर काम करती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। इसके अंदर मर्क्यूरी और फॉस्फोरस यूज़ होता है। लेकिन जो LED बल्ब होता है उसमें डायोड वगैरह जो है यूज़ किए जाते हैं। इसमें एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो हीट और लाइट की वजह से होती है, क्योंकि मरकरी जो होती है वो नुकसानदेह तो डेंजरस होती है। मीना माता एक जापान का एक वो कन्वेंशन भी है जो मरकरी को बंद करता है। सो LED इज़ ऑलवेज बेटर, हैविंग बेटर लाइफ, और 80% ज़्यादा इलेक्ट्रिक एफिशिएंट होती है। स्टैटिक क्विज पे चलते हैं। इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें हाई प्रोटेक्शन लो प्रोटेक्शन जो है डिफाइन किया जाता है। लेकिन जो इको सेंसिटिव शब्द जो है वो शब्द डिफाइन नहीं किया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ध्यान रखना। इको सिस्टम जो वेटलैंड होते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, तो कॉमन सेंस सारी सर्विसेज मिलती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट चलते हैं, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है? कि इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी भी प्लांट को कितनी लाइट मिल रही है। अब लाइट जब मिलती है तो वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा टाइम है। तो जितनी अच्छी लाइट मिलेगी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन जितना एयर पोल्यूशन की वजह से भी कभी कभी क्या हो जाती है कि लाइट नहीं मिल पाती। कभी देखा होगा ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, सूरज जो है साफ दिखाई नहीं देता है। इवोल्यूशन ऑफ अगर अपन ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें तो सबसे पहले जो समुद्र के अंदर जो है जीव पनपे थे, जैसे कॉरल्स, उसके बाद में फिर धरती पर इंसान आए थे। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिम्बोटिक एसोसिएशन की अपन बात करें तो लाइकन्स के साथ में जैसे एल्गी और जो फंगस होता है उनका रिलेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एजुकेशन कहाँ कहाँ पे डिफाइन है? तो देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है दोनों ही आपके ट्राइबल एरिया को लेकर के है, तो उसमें एजुकेशन है नहीं, बाकी सब में ही है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ लेंडिंग रेट, ये MCLR जो है, ये क्या चीज़ है? इससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है। जैसे 5 तरह के बैंक है तो 5ों बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है, तो ऐसा ना हो सबकी एक तरह की इंटरेस्ट रेट हो, मतलब और जो कस्टमर को है उसको ज़्यादा फायदा मिले, बैंक को भी फायदा मिले और जो लोन लेने वाला है उसको भी फायदा मिले। इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा चार्ज ना किया जाए, इसके लिए MCLR को भी लाया गया है। सो दिस इज़ हाउ योर न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।